students, I am Santosh Kumar Gupta from Kerala Public School, class 7 math. Today we are going to learn properties of addition and multiplication of integers. आज हम लोग integers की properties पढ़ेंगे addition और multiplication के ऊपर. Here some properties are given. यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी हमने लिखा है, वन बाय वन आप इसको केयरफुली देखेंगे. फर्स्ट, यू ऑलरेडी नो अबाउट इंटीजर्स दैट इंटीजर्स मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. प्रीवियस क्लास, पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था जीरो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस एंड सो ऑन. इस तरह से ये जीरो को छोड़कर ये सभी नेगेटिव इंटीजर्स हैं. पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. एंड जीरो इज आल्सो एन इंटीजर. तो इसके बारे में आप लोगों ने पहले ही समझ लिया है. और फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों हम देखेंगे. इफ वी टेक एनी टू इंटीजर्स देन देयर सम इज आल्सो एन इंटीजर. यदि हम टू इंटीजर्स को लेते हैं तो उसका सम निकालने पर जो सम होगा योगफल होगा वह भी एक इंटीजर ही होगा. एग्जांपल के लिए माइनस थ्री प्लस टू रिजल्ट माइनस वन. माइनस थ्री इज एन इंटीजर, प्लस टू इज आल्सो एन इंटीजर एंड रिजल्ट माइनस वन इज आल्सो एन इंटीजर. अदर एग्जांपल माइनस फोर प्लस फोर रिजल्ट जीरो. जीरो इज आल्सो एन इंटीजर. माइनस फोर प्लस फोर टू इंटीजर्स एंड देयर सम इज आल्सो एन इंटीजर. Now multiplication. If we take two integers and multiply, then the product is also. If we take any two integers and multiply, then the product is also an integer. For example, minus 4 into 4. Result minus 20. Minus 4 integer, 4 integer, and their product. So, इनका गुणनफल जो product आ रहा है वह भी minus 20. इंटीजर है. सेवन इंटू माइनस थ्री रिजल्ट माइनस 21. सेवन इंटीजर माइनस थ्री इंटीजर एंड देयर प्रोडक्ट माइनस 20 इज आल्सो एन इंटीजर. अदर एग्जांपल माइनस 4 इंटू माइनस 8 These two negative integers and their product 32 is positive integer. तो इस तरह से आप देखें, यदि हम कोई टू इंटीजर लेते हैं तो उनका ऐड करने पर सम एक इंटीजर होता है और मल्टीप्लाई करने पर उनका प्रोडक्ट इंटीजर होता है. सेकेंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम भिन्न में प्रगुण. किन्हीं टू इंटीजर्स के आर्डर को चेंज करने से उनके सम पे कोई चेंजअप नहीं होता है. यानी क्रम बदलने से उनका जो योगफल है सेम रहता है. फॉर एग्जांपल और इसी तरह से मल्टीप्लाई में भी उनके आर्डर को चेंज करने से उसके प्रोडक्ट में कोई नहीं होता है. सो हियर टेक वी टू इंटीजर्स माइनस थ्री प्लस टू. दीज आर टू इंटीजर्स. व्हेन वी सम फाइंड सम माइनस वन एंड आर्डर चेंज करने पे टू प्लस माइनस थ्री इज आल्सो रिजल्ट माइनस वन. यानी आर्डर यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, माइनस थ्री फर्स्ट प्लस टू सेकेंड
and order change करने पर plus 2 and minus 3 second. So same result. This is commutative property. Other example. Okay.
identity. When we add zero any integer, then we find the result same integer. यदि हम किसी integer में zero को add करते हैं, तो हमें result integer मिलता है. For example, 3 plus 0 is equal to 3. यानी no change of integer. Integer में कोई change of नहीं होगा. जो भी integer हम यहाँ लेके पूरा same पूरा वही होगा. Minus 7 plus 0 result minus 7. So this is additive identity. यानी 0 किसी number में add करने पर वह number change नहीं होता है. वह number same बना रहता है. Other example, minus 375 plus 0, result minus 375. इस तरह से कोई भी number, कोई भी integer हम लेते हैं, उसमें 0 add करने से वह number change नहीं होता है. इसको हम बोलते हैं additive identity. Now, additive inverse. If we take two integers and their sum is 0, यदि हम two integers ऐसा लेते हैं जिसको sum करने पर जिसका योगफल करने पर 0 आता है, तो वे integers एक दूसरे के additive inverse कहे जाते हैं. The two integers when we add and result 0, then they got additive inverse of each other. For example, minus 5 plus 5. Minus 5 and plus 5. इनको यदि हम add करते हैं, तो हमारा result 0. इसका मतलब minus 5 का additive inverse हो गया plus 5. Plus 5 का additive inverse हो गया minus 5. Other example, minus 7 plus 7. Minus 7 plus 7. Result 0. Additive inverse of minus 7 is 7 and additive inverse of 7 is minus 7. This type additive inverse of 9 is equal to minus 3. सेम नंबर ओनली साइन चेंज, केवल उसके चिन्ह को हम चेंज कर देते हैं. प्लस इंटीजर है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस में होगा सेम इंटीजर, और माइनस में है तो उसका एडिटिव इनवर्स प्लस में होगा. फॉर एग्जांपल, एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 15 इज 15. प्लस 15 और 15 सेम. नाउ multiplication with 0. When we multiply any integer by 0, then we find the result 0. यदि हम किसी number को 0 से multiply करते हैं, तो हमें result 0 मिलता है. For example, minus 5 into 0, result 0. 7 into 0, result 0. हमने देखा एडिटिव आइडेंटिटी में कि जब हम नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है नंबर, लेकिन यहां मल्टीप्लाई करने में हमें नंबर नहीं मिलता है, हमें मिलता है 0. इंटीजर्स में भी पॉजिटिव, यानी इंटीजर माइनस हो या प्लस हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों ही कंडीशन में हमारा सेम रिजल्ट होगा 0. और इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन विद 0. जीरो से जब भी हम किसी भी इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमेशा हमें रिजल्ट जीरो ही मिलता है और कुछ नहीं. नाउ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 1, देन वी फाइंड द सेम इंटीजर. फॉर एग्जांपल, -235 multiply by 1, then we
we find the result -235. No change of in result integer. Other example, 475 multiplied by 1. Then we find the result. यानी किसी भी इंटीजर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें से वही इंटीजर प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, गुणनफल के रूप में प्राप्त होता है. इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं. नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब गुणात्मक प्रतिलोम और इस रेसिप्रोकल भी बोलते हैं. रेसिप्रोकल इफ वी टेक एनी टू नंबर एंड मल्टीप्लाई रिजल्ट 1 फॉर एग्जांपल 2 इनटू 1 अपॉन 2 टेक एनी टू नंबर एंड मल्टीप्लाई करने पर हमें प्रोडक्ट 1 मिलता है. 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1. इस तरह से हम देख रहे हैं यहां पे 2 में जब हम 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट 1 मिल रहा है. इसका मतलब 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल 1 अपॉन 2 हो गया और 1 अपॉन 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2. अदर एग्जांपल -3 * 1 अपॉन -3 then 3 1 jar 3 1. So multiplicative inverse of -3 is equal to 1 upon -3 or -1 upon 3. Means -3 upon यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे हम 1 ले सकते हैं अपने से और numerator जो है denominator के place पे आ जाता है. denominator numerator यानी numerator नीचे denominator की स्थान पे आ जाता है और denominator जो है numerator exchange हो जाते हैं. इस तरह से -3 upon 1 -3 का reciprocal होगा -1 upon 3 और -1 upon 3 का reciprocal होगा -3. Now distributive property over addition and subtraction. Distributive property addition or subtraction पे लागू होती है. कभी भी distributive property multiply या division पे लागू नहीं होती है. Multiplication या division पे लागू नहीं होती है. So here example. -3 into 5 plus 4. -3 multiplied by 5 plus 4. Distributive property से हम इसको अगर लिखते हैं तो -3 से multiply हम 5 को भी करेंगे और -3 से multiply हम 4 को भी करेंगे. So -3 into 5 plus -3 into 4 मतलब -3 का इन दोनों नंबर्स में यहां पे ब्रैकेट में जो टू नंबर्स दिए गए हैं दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे. ये हुआ डिस्ट्रीब्यूट मतलब ये अलग-अलग हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बट गए और इनको बांटने का कार्य कौन कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट करने का ऐड. सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन. Now, -7 into 9 minus 5, -7 into 9 minus, -7 -7
here, यहाँ पे ये distributive property over subtraction, यहाँ पे subtraction पे distributive property हो रहा है. Other example, 9 into 6 minus 5. So 9 into 6 minus 9 into 5. इस तरह से यहाँ पे distribute हो रहा है और उनके बीच minus sign है. इसको हम बोलेंगे distributive property over subtraction. इस तरह से हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. आगे आपको सवाल आएंगे, अभी हम इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं. यहाँ पे 6 9 54 minus 9 5 45 14 minus 5 result 9. So this step you solve.